पूरे कंट्री में आज मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स या बाकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन बेड्स, ज़रूरी बाकी दवाइयां, बाकी सबका जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी नौबत आती है कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती हैं तो हम तैयार रहें उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि कोविड के केसेस में थोड़ा इंक्रीज़ देखने को नज़र आ रहा है, जबकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं बढ़ रही हैं। ये पूरे कंट्री में सेम ट्रेंड है, यहाँ पे भी सिमिलर ट्रेंड है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तैयारियाँ ये लगातार चलती रही हैं, और जैसा हमने पहले से तय कर रखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही इंस्ट्रक्शन थी कि 10th और 11th को पूरे कंट्री में हमारे जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मॉक ड्रिल हो। उसी सिलसिले में आज मैं श्रीनगर के JLNM हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे भी हम जायज़ा ले रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ किस तरीके से हैं, ताकि अगर कोई कमी पेशी है उसको हम टाइम रहते हुए पूरी कर रहे हैं। देखिए आप, ये जो स्किम सोरा हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे पिछले दिनों जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब है वो स्टार्ट हुई है, और इस लैब का इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से जान सकते हैं कि कोविड के जो वेरिएंट्स हैं, ओमिक्रॉन के ही बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, किस तरीके से वो चेंज होते रहते हैं, उसको पकड़ने के लिए ये लैब्स की बहुत अहम एक रोल रहता, किरदार रहता है। और यही एक रिज़ल्ट है कि आज आप पूरे कंट्री में आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग इंडिया से होकर निकल के सामने आ रही है, जिसके कारण किस वेरिएंट की क्या प्रेवलेंस है कम्युनिटी में, किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट्स को जानकारी मिलती है, और टाइम रहते हुए हमें भी उसका असिस्टेंस मिलता है कि हम बाकी तैयारियां कर पाएँ। और इसके मज़ीद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दो और नई जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स हमारी अंडर कमिश्निंग हैं, एक GMC श्रीनगर के लिए और एक GMC जम्मू के लिए। उसमें भी हमारी जो इंस्टॉलेशन की कार्रवाई चल रही है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो बाहर से आके उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबके ज़रिए कि कोविड की जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए हमारे तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे हॉस्पिटल रेडी हैं। तो हमारा पास का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हमने इससे बड़े बड़े चैलेंजेस हमने हैंडल किए हैं, हमारी टीम्स पूरी तरह तैयार हैं कोविड टेस्टिंग के लिए या उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन को एड्रेस करने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि कोविड से मतलब हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीन दिस एंड, और इस पूरी सिचुएशन को हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते जा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमें टाइम टू टाइम गाइड कर रही है, जैसी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगी और जैसी ग्राउंड पे सिचुएशन रहेगी उस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करते रहेंगे। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से टूरिस्ट का फ्लो कश्मीर में बढ़ता जा रहा है, अभी तक हमने कहीं पर किसी भी पार्क में टेस्टिंग नहीं देखी है, आने वाले दिनों में टूरिस्ट और बढ़ सकती है, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए टेस्टिंग को लेकर मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी क्लियर हैं, किसको टेस्ट करना है ये बड़े क्लियर तरीके से बताया गया है। अभी फ़िलहाल हमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को टेस्ट करना है, क्योंकि जहां तहां टेस्ट करने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो जो अभी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और उस हिसाब से टेस्टिंग हमने पिछले कुछ दिनों से बढ़ाई भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम रैंडमली कहीं पे भी टेस्ट करेंगे, जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं उस किस्म की टेस्टिंग होगी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 972825 3663 पर।